अब सभी के उद्धार के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, भक्ति का उचित मार्ग बताए हमें, ताकि मेरी भांति दूसरा कोई भूल ना करे। भक्ति मुक्ति का आधार है भुष्पतन, और मुक्ति तो केवल समर्पण से ही संभव होगी, और समर्पण के प्राय भक्ति कब मोह में परिवर्तित हो जाती है, और ऐसे में पथ भ्रमित होना अनिवार्य है। प्रभु, तांडव की परिभाषा क्या है? क्या है तांडव? उसे आरंभ करने से पूर्व मन में कैसे भाव होने चाहिए? तांडव नृत्य जगत की पांच क्रियाओं का संकलन है, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव और अनुग्रह, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। मेरे नित्याकार शरीर के पांच मुख इन्हीं पांच भूतों से ब्रह्मांड का निर्माण होता। पृथ्वी से सभी भूतों के शरीर बनते हैं और उनका पालन जल से होता है, और संपूर्ण भूतों का अंत अग्नि से होता है। वायु तथा आकाश में तिरोभाव और अनुग्रह की शक्ति, इस प्रकार मेरे ये पंच महाभूत मुख मेरे नृत्य की पांच महाक्रियाओं का प्रतीक है। धन आवश्यक है ऋषि यत्र, क्योंकि धन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है, किंतु जब कोई व्यक्ति इच्छाओं को आवश्यकता समझने लगे तो धन कितना ही क्यों ना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं अंतहीन है। इसलिए मनुष्य कभी ना समाप्त होने वाली इच्छाओं की पूर्ति हेतु धन संचय को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। वो लोभी बन जाता है, वो भूल जाता है कि उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के समीप आना है। ऐसे लोभी व्यक्तियों को अपनी मृत्यु के समय भी यही दुख रहता है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं पाया, क्या शेष रह गया। ऐसे समय में वो एक क्षण के लिए भी ईश्वर का स्मरण नहीं करते, अपने जीवन की निरर्थकता और व्यर्थता का बोध नहीं होता। धन चाहे कितना भी हो ऋषियत्र, मूल आवश्यकताएं तो केवल उतनी ही। धन ढकने के लिए वस्त्र, पेट भरने के लिए आहार और शरण के लिए भवन, आवश्यकताओं के पूर्ण होने के पश्चात जो भी है वो इच्छा है। धनी व्यक्ति के पास जो भी अतिरिक्त धन होता है वो उसे दान करना चाहिए, उनके उद्धार के लिए जो अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। ऐसा करने से संसार में समानता होगी, देश नहीं होगा, सद्भावना बनी रहेगी। किंतु कुछ व्यक्ति इस तथ्य को समझ ही नहीं पाते, उन्हें अपने
ने एकत्रित किए हुए धन से इतना मोह हो जाता है कि वो उसका एक अंश भी किसी और को नहीं देना चाहते। ऐसे व्यक्तियों की सूची में सर्वप्रथम स्थान कुबेर का है। इस संसार में सबसे अधिक धन उन्हीं के। शक्तिशाली बनना अत्यंत कठिन है, किंतु उससे भी कठिन होता है शक्तिशाली बने रहना। और इसके लिए आवश्यक है कि हम शक्तियों से प्राप्त हुए उत्तरदायित्व का सम्मान करें। अन्यथा हम स्वयं पर निरंतर खो देते हैं और यह हमारे पतन का कारण बनता है। युद्ध में की गई भूल और उपलब्धियों से कुछ न कुछ सीखना आवश्यक है। कार्य बुराई और अच्छाई के मध्य ये युद्ध निरंतर चलता रहेगा। आज एक अध्याय समाप्त हुआ है, कल दूसरा अध्याय आरंभ होगा। जब तक इस समस्त संसार में बुराई है तो अच्छाई भी होगी, किंतु अच्छाई और बुराई के युद्ध में जीत सदैव अच्छाई की ही होगी। प्रभु, क्या संसार में केवल सुख का होना संभव नहीं है? प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति ही तो है। परमानंद की प्राप्ति, किंतु हम सुख नहीं, सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। ये समस्त संसार माया है, सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्रित कर रहे हैं वो सदैव नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते वो सदैव इन्हें खोने के भय में जीते। और जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं वो अहंकार में जीते। और जहां अहंकार और भय उपस्थित हो वहां सुख कैसे रह सकता? किसी को यह दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं, और जिसके पास सब कुछ उसे यह दुख है कि पाने को कुछ शेष नहीं। सुख को हम स्वयं अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। इसलिए आवश्यकता है अनासक्त रहने की। किंतु प्रभु, क्या आसक्ति स्वाभाविक नहीं है? पर दुख का मूल कारण भी तो यही है ऋषि भृगु। आसक्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती है, उसे भंग कर देती। हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती, उसे चंचल बना देती। आसक्ति से प्रमाद की उत्पत्ति होती, प्रमाद मद होता है और मद अहंकार का स्रोत है। और अहंकार पूर्णतः शुभता में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात आसक्ति अशुभता की जननी।
इसलिए अनावश्यक है। तो प्रभु,